next aayega. This Christmas, Yash Raj Films presents Tiger Zinda Hai, starring Salman Khan, Katrina Kaif, releasing worldwide December 22nd. Shikar to sab karte hain, lekin tiger se behtar shikar. अब एक बार फिर से आप अपने आरजे साहिल के साथ सुन रहे हैं आपका अपना हिंदी रेडियो स्टेशन इन द यूएस एंड कनाडा मेरा संगीत सबका मीत। एक बार फिर से ढेर सारी मस्ती करूंगा, ढेर सारा फन करूंगा और आपके टेंशन के सर पर डंडे मार के आपकी जिंदगी के फंडे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आज मैं अकेला नहीं हूँ, आपने किसी की मुस्कुराहट की आहट को मेरे पीछे से सुन ही लिया होगा। तो चलिए अभी फिलहाल इंट्रोड्यूस करवाते हैं उन हस्ती को आपसे। इनका नाम है निशांत शर्मा, ये कनाडा के रहने वाले हैं और ये propdial.com के बहुत ही एस्टीम्ड और बहुत ही नायाब कस्टमर भी हैं। सो निशांत, सबसे पहले तो वेलकम टू मेरा संगीत। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी हंसी जो पीछे से मैंने सुनी थी ना, उससे मेरे को पता लग गया था, अंदाजा हो गया था कि ये इंटरव्यू जो है बड़ा मस्त सा होने वाला है। हाँ हाँ, आपने पनी इतनी बातें करी कि बस हंसी आएगी, कंट्रोल ही नहीं कर पाया। ओके सर, निशान सबसे पहले तो अपने बारे में सबको बताइए। अच्छा, मेरा नाम निशान शर्मा है। ऑब्वियसली मैं इंडिया में काम करता था IBM के लिए। 2006 में इमिग्रेट किया मैंने कनाडा। मैं बेसिकली जबलपुर का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा शहर है। और मैं काम वैसे गुड़गांव में करता था IBM के लिए। फिर 2006 से अब यहीं पर सेटल्ड हैं, मैं, मेरी वाइफ, दो बच्चे और तो क्या, बस यही है छोटा सा इंट्रो मेरा। निशान, जब आप यहाँ पे भी, मैं IBM के लिए काम करता हूँ। सॉरी, जब आप कनाडा आए, वाज दैट योर फर्स्ट टाइम अब्रॉड और उससे पहले भी आप कहीं जा चुके थे? नहीं नहीं, उससे पहले भी मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में आता जाता रहता था यूके और यूएस वगैरह। बट फाइनली जब पीआर लग गया तो कनाडा हम लोग अप्रैल 2006 में मूव हो गए। तो कैसा लग रहा है कनाडा आपको? शुरू शुरू में तो ऑब्वियसली किसी नई जगह जाते हैं तो उतना आपको पता ही है कि सेट नहीं हो पाते, फिर घर की भी याद आती है। तो फाइनली लाइक यू नो, और एक्चुअली मेरा जो, मैंने जो फ्लैट खरीदा नोएडा में, इसी पर्पज से खरीदा था कि हम वापस चले जाएंगे। अच्छा। और मोस्ट प्रॉब्ली लाइक यू नो, वी विल जस्ट सेटल ओवर देयर, उस पर्पज से वहां पे बुक किया था फ्लैट। बट सडनली लाइक यू नो, यहाँ पर ही मतलब सेट हो गए तो बस फिर क्या कि मेरा ब्रदर भी, छोटा ब्रदर है, वो भी 2012 में यहाँ पे ही मूव हो गया था। अच्छा, तो फिर क्या, थोड़ा सा फैमिली का थोड़ा सा मतलब ग्रो हो गई यहाँ पे, तो उसके बाद फिर थोड़ा ज्यादा मन लगा। तो फाइनली मतलब वी डिसाइडेड के अब बच्चे भी बड़े होने लगे हैं तो अब कोई वापस लगे, मतलब वो लोग सेट नहीं हो पाएंगे। हार्ट इज वेयर द फैमिली इज, और अगर पूरी फैमिली जो है आपके साथ है वहां पे, तो बस बचपन की यादें वहीं पे तरोताजा आपकी हो जाती होंगी। सर निशांत, मैं आपसे प्रॉपडाइल के बारे में बड़े सारे सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसी क्वेरीज, कुछ ऐसे इनफैक्ट FAQs हैं जो एज अ कस्टमर आई थिंक यू विल बी एबल टू एड्रेस इन अ वेरी क्रेडिबल मैनर। So, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ना मैं गाना शाना बजाना चाहता हूँ। तो कोई गाना आपके माइंड में आ रहा है जो आप सुनना चाहते हैं या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि पहला गाना मैं बजा दूं और फिर आप मुझे बाद में बताएंगे कि अगला गाना कौन सा बजवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, डेडिकेट तो मैं कर ही देता हूँ, अपनी वाइफ को कर देता हूँ। पता नहीं आपके पास होगा कि नहीं प्लेलिस्ट में, चांद मेरा दिल, चांद नहीं हो तुम। क्यों नहीं, चांद से इतना फेमस गाना है और चांद के साथ तो हमारा इतना ज्यादा अच्छा कनेक्शन है, चंदा को मामा भी कभी कभार कह कह के बुलाते हैं, तो मामा जी है मेरे पास। तो ठीक है, ये डेडिकेट कर दीजिए मेरी वाइफ को। ठीक है, डेफिनेटली कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ कोई मैसेज भी देना चाहते हैं आप अपनी वाइफ को? मैसेज तो क्या है, बस गाने के थ्रू मेरा मैसेज है कि लाइक यू नो, शी मींस द वर्ल्ड टू मी। ओए होए 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 जी, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, गाना बजाऊंगा और मिलूंगा इस गाने के बाद। सुनते रहिए मेरा संगीत सबका मीत, आप है साहिल और मिस्टर निशांत के साथ।
चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के आना है यही तुमको जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान वैसे तो हर कदम मिलेंगे लोग सनम मिलेगा सच्चा प्यार मुश्किल से ओ दिल की दोस्ती खेल नहीं कोई दिल से दिल है मिलता यार मुश्किल से यही तो है सनम प्यार का ठिकाना मैं हूँ मैं हूँ चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर चांदनी कहाँ लौट के आना है यही तुमको जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान जाओ मेरी जान जाओ मेरी वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग चांद मेरा दिन दिल चांदनी हो तुम चांद से है दूर चांदनी कहाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही है ना इस गाने के लिरिक्स मिस्टर निशांत हाँ यही है ओके सो मिस्टर निशांत ने इस गाने को डेडिकेट किया था अपनी वाइफ को और अपनी लाइफ को और अब मिस्टर निशांत अपनी लाइफ को इंडिया में आपने अच्छा बनाए रखने के लिए नोएडा में एक घर लिया था सपनों सा घर आपने लिया था और फिर आपने सोचा कि आप इंडिया नहीं जाएंगे अब वो घर इंडिया में अगर पड़ा रहता तो उसकी मेंटेनेंस की दिक्कत और अगर आप उसे रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं तो रेंट के लिए टेनेंट को ढूंढने की दिक्कत इतनी सारी परेशानियां आप फेस कर सकते थे सो इन सारी परेशानियों से आपको बचाने वाले कौन है पहले तो ये बताइए ऑब्वियसली विनय प्रजापति जी पहले तो मैंने एक्चुअली काफी सर्च शुरू करी उसके लिए कौन मेंटेन करेगा पहले तो मेरे एक्चुअली आड़ू भी हैं वहाँ पे दिल्ली में लेकिन वो पश्चिम बिहार में रहते हैं और वहाँ से आ जाना इतना मतलब है ना आपको पता ही है कि वहाँ से नोएडा आने जाने में मतलब 2 घंटा लग जाए बार बार मतलब ट्रेवल कर नहीं सकते उनको तो उसके बाद मैंने काफी इंटरनेट पे मतलब सर्च किया कि मतलब कौन कौन सी वहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं अब मैंने लकीली इनका इंटरव्यू देखा मेरे को ध्यान नहीं है शायद YouTube पे इनका एक इंटरव्यू था अच्छा प्रॉप डायल का ओके हाँ 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 तो वो लिंक तो मेरे ख्याल से आपको भेज ही देंगे विनय जी तो वो देख के मेरे को हाँ तो मेरे को अब मेरे को वो नहीं था कि इतनी जल्दी वो रिस्पॉन्ड भी कर देंगे जो उसमें डिटेल्स दिए हुए थे मैंने उनको अपना भेजा ईमेल वगैरह फौरन उनका रिस्पॉन्स आ गया और उसके बाद फिर हमारी बातचीत शुरू हुई इन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बना के भेजा मेरे काफी सारे सवाल थे कि आप कैसे मैनेज करेंगे चाबियां कैसे चलाई जाएं मेरा तो अभी एक्चुअली पोजीशन भी उस समय हुआ भी नहीं था एक्चुअली पोजीशन भी इन्होंने मतलब करवाया उसका अच्छा। तो बस उसके बाद फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया काफी रीजनेबल रेट भी थे इनके मतलब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने में भी मतलब वो मैनेज कर लेंगे और एक बार जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया पैसे वैसे ट्रांसफर हो गए इनफैक्ट उनको फीस वगैरह की भी उतनी नहीं पड़ी इनफैक्ट उन्होंने अभी तक मेरे से फीस ली भी नहीं नेक्स्ट ईयर की मैं खुद ही इनकी पीछे बुला हुआ हूँ आप बताओ मैं कब क्रेडिट करूँ आपको पैसे ट्रांसफर अपने वो मांग ही नहीं आपसे मांग नहीं रहे कस्टमर देना चाह रहे बट वो मांग नहीं रहे लगता बहुत आ गया उनके पास बट ही इज ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ थिंग्स उनका जो कस्टमर सपोर्ट है ना रियली मतलब मतलब बहुत ही अबव एंड बियॉन्ड मैं कह सकता हूँ उसको वहां पे जब इनफैक्ट जब मेरे घर का पोजीशन मिल गया वहां पे अपार्टमेंट का तो उसमें फिर जो पहले तो मेरा इरादा ये था कि उसको सेल कर देंगे बट अभी क्या है बायर मतलब जो मार्केट है थोड़ी सी डिफरेंस आपको पता ही है तो अभी सीन बनेगा नहीं सेल करने का तो फिर उसको रेंट पे चढ़ाने का सोचा गया अच्छा, फिर रेंट पे तो अनफर्निश्ड तो चढ़ेगा नहीं तो सेमी फर्निश्ड कराने के लिए फिर वो सब भी काम जो वुडवर्क वगैरह जो करवाना है और जो भी इलेक्ट्रिकल काम करवाना है
वो सब भी उन्होंने मतलब वहाँ पे मेरे को कोर्स वगैरह लेके दिए कम्पेरेटिव, उन्होंने दो दो तीन तीन कोर्स भेजे थे, तो जो मतलब लोएस्ट प्राइस और अच्छा काम करने वाला बंदा था जो उन्होंने रिकमेंड किया था, फिर उससे काम भी करवा लिया, वो सब कुछ उन्होंने किया, मतलब रिमोटली, मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, आई वॉज जस्ट लाइक यू नो मतलब मैं तो पूरा कैसे ही बैठा हुआ था, यू वर जस्ट मतलब ओवरलुकिंग के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब आप बस यू वर देयर इन द लूप, बट एग्जैक्टली मेरे को मैंने पैसे ट्रांसफर करने के अलावा और कुछ किया, बाकी वो मेरे को कॉन्स्टेंटली फोटोज वगैरह खींच के भेजते रहने का, उसके बाद फिर ये टैलेंट ढूंढने का, ये सारे काम मतलब उन्होंने ही मतलब वहाँ पे किए, तो काफी मतलब लेगवर्क किया उनका, मेरे ख्याल से शायद कजन या ब्रदर वो भी इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, अच्छा। तो हम लोग लास्ट ईयर मेरे ख्याल से दिसंबर में हम लोग गए हुए थे इंडिया, तो तब हम लोग तब वुडवर्क वगैरह चल ही रहा था वहाँ पे, तो देख कर आए थे हम लोग, तो मैं मिल नहीं पाया विनय जी से, वो उस समय शायद वेकेशन पे थे, तो उनके भाई आए थे वहाँ पे, मतलब उन्होंने मतलब फ्लैट टैक्सेस दिया, मेरे पास तो चाबी भी थी उनके पास ही थी, अच्छा। तो इट वॉज ऑल गुड, काफी मतलब मुझे अच्छा लगा, मैंने इनफैक्ट अपने और दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड किया, पहले तो मैं अपने दोस्तों से ही पूछ रहा था, जो मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे सामने ही एक सोसाइटी में महागुण मॉडर्न में रहता है, मेरा वहाँ पे सिटी मैक्स ऑयल में है 76 में, तो मैंने उनसे पूछा था कि तुम्हारे हैं क्या कोई जान पहचान वाले इस तरीके से, जो अपना मतलब ऑब्वियसली लोग बाहर रहते हैं और उनका कौन मैनेज करता है पीछे से प्रॉपर्टी वगैरह, तो वो सर्च कर ही रहा था कि मैंने बोला कि भैया गूगल है तो खुद ही सर्च कर लिया जाए, खुद सर्च करने से अपने आप ही मिल गई चीजें, और चलिए अच्छा एक तरह से। बाकी मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दूसरे वेंडर्स ने भी कॉन्टेक्ट किया था वापस, बट सिंस मेरा ऑलरेडी विनय जी के साथ मतलब ये हो गया था शुरू, हाँ, और फिर इनका मतलब रेट्स भी काफी रीजनेबल थे, तो मतलब आई डिडंट हैव टू लुक एनी फर्दर। जब आपको पता लग गया कि आपको मुकम्मल जहां मिल गया है, तो और ढूंढने की क्या जरूरत है, एमए खामखा माथा पीछे क्यों करनी है ना भाई। ऑब्वियसली और इसमें तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मतलब एक बार आपको कोई चीज अच्छी मिल जाए, फिर है ना कम रेट में भी अगर कोई मतलब ऑफर कर भी रहा हो ना सर्विसेज, फिर फालतू में बोला है ना ये जबरदस्ती का जो एक अपनी इंडियन मेंटालिटी होती है कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा और प्राइस हम वो कर लेते हैं, फाइन ट्यून करा लेते हो, एंड में ना उसका नुकसान ही होता है, अगर आपने कोई चीज एक बार आपने ड्यू डिलिजेंस करके आपने पसंद कर ली है तो जस्ट स्टिक विद इट, लाइक यू नो फिर इधर उधर कूदने से है ना वो काम खराब ही होता है, एंड आई थिंक टाइम इज ऑल्सो वेरी प्रेशियस, एंड इफ यू हैव फाउंड एन अल्टीमेट सोल्यूशन, एंड इफ सो मेनी पीपल, इनफैक्ट निशान जी आपसे पहले एक मिस्टर परविंदर हैं यूएस में रहते हैं, उनसे भी मेरी बात हुई थी, ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कस्टमर विद प्रॉप डायल, एंड ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि मतलब अपने पैसे तो इनको सबसे लास्ट में चाहिए, इनको सबसे पहले है कि कस्टमर के चेहरे पे स्माइल ऐसी आ जाए कि वो स्माइल की चमक को देख के बाकी कस्टमर कहे यार नहीं मेरे को प्रॉप डायल के पास जाना है। इनफैक्ट एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी राइट नाउ, इफ यू हैव प्रॉपर्टी इन इंडिया, बड़े पैसे वाले हो, इफ यू हैव प्रॉपर्टी इन इंडिया, आई थिंक वो ऐसे ही पड़ी रहेगी और उसका कोई यूज नहीं हो रहा, उससे बेटर ये है कि आप टेनेंट रख लो, वो आपके घर का ख्याल रखेंगे। अब टेनेंट कैसे ढूंढना है उसका सारा सोल्यूशन प्रॉप डायल के पास है, आपके घर की मेंटेनेंस का सारा सोल्यूशन जैसा मिस्टर निशान भी बता रहे प्रॉप डायल के पास है, सो आई वुड रिकमेंड वंस विजिट द वेबसाइट एंड बाकी सब कुछ सॉल्व हो जाना है, सॉर्ट हो जाना है, सो proPDIAL.com इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। निशान जी एक छोटी सी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक गाना और बजा देते हैं, ठीक है, तो ये तो आपकी चॉइस होनी चाहिए, ऑब्वियसली मेरी चॉइस होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी मुझे मैं तो सोच रहा हूँ कि ये पूरा शो ही आपको डेडिकेट कर देते हैं, आप बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हो। अब इसके बाद अफगान जलेबी बजा दी, ओए क्या बात है, याद आ रही है आपको कैटरीना कैफ है, ऑब्वियसली यहाँ पे गाने काफी बजते हैं, डीजे वाले बाबू अफगान जलेबी। अच्छा ये बताओ आप जबलपुर आपने बोला ना, जबलपुर की कौन सी मिठाई आपको सबसे ज्यादा याद आती है, क्योंकि हिंदुस्तान के हर एक शहर की कोई ना कोई खास मिठाई जरूर होती है। हाँ तो वो जलेबी वहाँ की काफी फेमस है एक्चुअली पूरे मतलब एमपी में मतलब है ना इंदौर वगैरह जैसे आप देखोगे भी तो वहाँ पे पोहा और जलेबी का काफी ट्रेंड है। मेरे को भी काफी लोग जो है जितने हमारे लिसनर है काफी उसमें लोग जो है वो कहते हैं कि साहिल जो है ना वो जलेबी जैसा सीधा है, तो मैं गाना बजा देता हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर में, सुनते रहिए मेरा संगीत सब कविता आपका अपना हिंदी रेडियो स्टेशन है द यूएसएन कनाडा।
नजर एक माह जबी एक नूर नबी रब की रुबाई क्या है तबाही गर्दन सुराही बोली इलाही अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया बंदूक दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी कभी दिखाना भैया अफगानी जलेबी कटरीना कैफ के ऊपर पिक्चर है ये फैंटास्टिक वाला गाना आप एंजॉय कर रहे थे और मैं और निशान जी यहाँ पे बैठे हुए विजुलाइज कर रहे थे कि कटरीना इस गाने के अंदर कितनी खूबसूरत लग रही थी है ना निशान जी क्या चुप्पी हो गए इनको डर हो गया कि आपकी वॉइस ना थोड़ी ओके अच्छा आवाज कट रही है क्या थोड़ी सी ड्रॉप हुई थी बीच में अच्छा सो वॉइस मेरी ड्रॉप होनी थी क्योंकि जॉ ड्रॉपिंग हॉट जो लग रही थी कटरीना कैफ तो मेरी आवाज जो है ना वो ड्रॉप हो गई निकल रही थी ओके निशान जी वैसे तो आप बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर कॉन्वर्सेशन के अंदर लेकिन इसमें आपने कोई जवाब नहीं दिया आर यू अ लिटिल वरीड कि आपकी वाइफ सुनेगी तो वो कहेंगे अच्छा बेटा तुम कटरीना को ही देख लो फिर नहीं मेरी वाइफ एक्चुअली यहीं पर है एक्चुअली आई वर्क फ्रॉम होम तो आज जिंदगी यूजुअली एक दिन उसका भी वर्क फ्रॉम होम होता है अच्छा दैट्स द रीजन जवाब दे रहे वो भी नहीं मैं तो सब कुछ सारे काम है ना ओपन ही करता हूँ कुछ छुपा हुआ नहीं है ओके सर मैं अब आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूँ ज्यादा कुरेदूंगा नहीं इस बात को ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यस एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट सो आई वांटेड टू नो के प्रॉप डायल बाकी ब्रोकर से अलग कैसे लगा आपको क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन गए ब्रोकर्स हैं इतने सारे प्रॉप डायल को क्यों अब देखिए मैंने तो अपनी काफी रिसर्च करी थी दूसरे अब मैं नाम नहीं लूंगा वेंडर्स का ऑलमोस्ट जितने भी एनसीआर रीजन में जो ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मतलब ब्रोकर क्या है मतलब मैं तो बेसिकली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज एंड एनसीआर करके गूगल पे सर्च करा था google.co.in पे तो जितने भी मतलब टॉप 5-10 में आए थे सभी को मैंने रिस्पांस दिया था अब शुरू में ही मैं देखूं अगर तो रिस्पांस में सबसे बढ़ चढ़ के तो विनय जी ने पार्टिसिपेट किया तो उसी से कस्टमर सर्विस का वो लग जाता है ना इरादा मतलब अंदाजा कि मतलब अगर आप
हाँ, और आप डायरेक्ट मतलब और दूसरी कंपनियां हो सकती है कि मतलब बड़े लेवल की थी तो उनके मतलब कस्टमर सर्विस वाले कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए. विनय जी तो खुद ही ओनर है, प्रोपराइटर है, और उन्होंने कॉन्टेक्ट किया तो मतलब ऑब्वियसली एंड ही वॉज लाइक यू नो स्टार्टिंग अप. तो वो चाहते हैं कि ऑब्वियसली बिजनेस कैसे बढ़ेगा. मतलब उनकी मेरे को मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी लगी. तो कस्टमर सेंट्रिक रह के वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं आई थिंक इनका ये सबसे मतलब यूएसपी यही है. Superb. अच्छा, any message you have for people, for listeners right now who are listening to us on Mera Sangeet? Right. तो listeners के लिए संदेश यही है कि NCR region में खासकर जिनकी properties, क्योंकि NCR में अभी based हैं ये, तो definitely they should like you know explore. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने और ये मतलब मेरे को विनय जी का इंटरव्यू देख के मतलब पता चला था, और ये आप शायद अपने फेसबुक पे भी अगर प्रॉपर्ली कर सकते हैं लिंक तो कर दीजिएगा, उसमें काफी क्लियर हो जाएंगी बातें कि आपकी प्रॉपर्टी अगर बंद पड़ी. कई लोग सोचते हैं ना कि यार कैसे, इस बेटर ये है कि बंद पड़ी रहे प्रॉपर्टी. तो बंद रखने का कोई इश्यू नहीं है, आप उसको बेशक उसको रेंट पे चढ़ाएं, दे विल डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस और अच्छा टेनेंट ढूंढ के आपको दे देंगे. और ऐसा कोई कब्जे वब्जे का जैसे वहां पे लोगों को बड़ा वो रहता है वो नहीं है. ये बहुत अच्छी बात है. खोसला का हमारी फेवरेट मूवी है वो. तो वैसा सीन नहीं होएगा आपके साथ, कोई ताऊ आके आपके कब्जा नहीं कर लेगा. तो आप करें बेशक, और लाइक यू नो जस्ट लाइक यू नो अगर प्रॉपर्टी है बेचने का आपका वो नहीं है, मूड नहीं है, तो आप उसको रखें और उसको लेट इट जनरेट सम रनिंग कैश. सुपर कूल, बहुत अच्छी बात आपने निशान जी कही है. और आप कुछ मिस्टर विनय जो की ओनर है propdial.com के, उनको भी कुछ एक मैसेज देना चाह रहे थे, आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, वो मैसेज ये था कि मेरी विनय जी से रिक्वेस्ट है, वो अपना अगर डिमांड है. हाँ, डिमांड है, बल्कि रिक्वेस्ट का डिमांड है. अब पता नहीं कितना फीजिबल है उनके लिए कितना नहीं, क्योंकि ही इज बेस्ड आउट ऑफ एनसीआर रीजन, तो उन्होंने एनसीआर में तो कर लिया कवर, गुड़गांव, दिल्ली एंड लाइक यू नो मुंबई सराउंडिंग एरिया. बिल्कुल है, हाँ मुंबई भी है, बट ये क्लास ए सिटीज है. तो हम मतलब अगर इफ दे कैन लाइक यू नो वेंचर आउट इन टू क्लास बी सिटीज, अपना मतलब छोटे शहरों में भी जाएं जैसे जयपुर, भोपाल. मेरे भोपाल में ही प्रॉपर्टी है, कोई है नहीं वहाँ पे मैनेज करने के लिए. मेरे पेरेंट्स का मतलब ओल्ड एज है, दे कांट गो फ्रॉम लाइक यू नो दे कांट ट्रैवल. अगर ऐसी जगहों पे अगर वो एक्सपेंड करते हैं तो लाइक यू नो बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी मल्टीपल जगहों पे प्रॉपर्टीज हैं, और एटलीस्ट सेकंड क्लास की सिटीज को तो वो कंसिडर कर ही सकते हैं. यू कैन हैव अ प्रेजेंस इन दो सिटीज, यू विल डेफिनेटली हैव मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. आई रियली होप कि ऐसा जल्दी हो. वैसे मैं देख रहा था वेबसाइट पे काफी ऐसे छोटे शहर जो हैं वो भी उन्होंने कवर करने अब शुरू कर दिए हैं. इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे आप सब का प्यार उन्हें मिलेगा और सपोर्ट मिलेगी और भारी भरकम डिमांड पे हम इतने मुश्किल मुश्किल से गाने भी ढूंढ के ले आते तो वो प्रॉपर्टीज वहां पे मैनेज कर ही लेंगे. निशान जी वो अमेजिंग, लवली टॉकिंग टू यू, मजा आ गया आपसे बात करते हुए. और मतलब इसी तरीके से जोशीले रहिएगा, एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी जो है बड़ी जोशीली रहेगी. और हाँ, मेरा संगीत सुनते रहिएगा. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. नाइस टॉकिंग. आपको मेरे से बात करके कैसा लगा? ऑब्वियसली आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत ही मतलब जिसको बोलते ना जोशीले आप है, तो वही है लिसनर और लिसनिंग सॉरी जिसका इंटरव्यू ले रहे हो तो वो भी जोश में भर जाता है आपकी जोशीली बातें सुन के. अब हमने एक दूसरे की तारीफ कर दी है, अब हम एक दूसरे को पेमेंट दे देंगे, एक दूसरे की तारीफ कर देंगे. ठीक है, पेमेंट लेकिन बिटकॉइन में ही होगी, कोई कोई कैश ट्रांजेक्शन, कोई डॉलर वॉलर. बिटकॉइन इसने पूरे सबको घुमा के रखा हुआ है. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. ओके जी, ओके. अच्छा सुनो, जाते जाते कोई गाना सुनना चाहते हो? जाते जाते अरे वो अपना बुलिया चला दीजिएगा. गाने तो बहुत सारे. हाँ, अरे चला देते सर, इंजॉय, टेक केयर. ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच. सही मगर तसल्ली
पल में उड़ जाऊं वे मैं ता हूं पगडंडी लबदी है जो राह जन्नत की तू मुड़े जहां मैं साथ मुड़ जाऊं तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं वेटी करा वेटी करा Traveling to India, Pakistan, Fiji.